इस वक्त मैं हूँ मुरारी बापू के साथ और हम बैठे हैं कैम्ब्रिज में, जहाँ 9 दिन की कथा, राम कथा चल रही है मुरारी बापू की। और आज 15 अगस्त है और जय हिंद। और आज के दिन कथा ख़त्म होते होते यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक पहुँचे। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं मुरारी बापू, और आपको सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा। आज हमने आपकी कथा सुनी और कथा के अंत में यहाँ के प्रधानमंत्री पहुँच गए और जय सिया राम के साथ उन्होंने अभिनंदन किया। आपने क्या दिया उन्हें, किस तरह की बात हुई आपकी और क्या प्रक्रिया है आपकी, ये भी मुझे आप बताएं प्लीज़। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे भारतवर्ष का आज स्वतंत्र दिन है जी। इसीलिए यहाँ दूर बैठे बैठे मैं आपके सभी दर्शक श्रोता सभी को स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। दूसरी बात कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि व्यासपीठ, तो व्यास का अर्थ होता है बहुत विशाल जी। आकाश की तरह चौड़ा, तो व्यासपीठ कोई छोटी वस्तु नहीं है। और ये सनातन धर्म की विशाल व्यास पीठ के पास आकर यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब आए और इतनी सरलता से व्यासपीठ के प्रति अपना अपना आदर व्यक्त करें, ये मेरी दृष्टि से उसके संस्कार का परिचय है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस देश की हुकूमत पूरी दुनिया में रही और कहीं भी उसका सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे एक देश का प्रधानमंत्री, उसका पद कोई सामान्य नहीं है, बिल्कुल बहुत गरिमापूर्ण पद है। तो मैंने ये मार्क किया कि इतनी सबल राजपीठ पर बैठे हुए होते ही इतनी सरलता मैंने कम राजनेताओं में देखी है। मैं एक साधु के नाते बिल्कुल सत्यस्थ होकर, न सराहना न आलोचना, मैं उसकी सरलता को धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह वो आए, जय सिया राम बोले और अपने आप को खुला कहकर कि मैं एक हिंदू के तौर पर आया हूँ, ये बड़ा साहस है, बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ा। और जिस तरह वो गए और बच्चों से मिल रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, ये जो है ये उसका बहुत बहुत अच्छा पहलू है। मेरे मुख से, मेरे मन से दुआ निकल जाती है कि परमात्मा उसको और बल दें और उसका फल पूरे ब्रिटेन को प्राप्त हो जी। और बहुत सुंदर बात कही कि हनुमान जी जिस तरह आपके पीछे विराजमान थे, उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक गणेश जी विराजमान है जो उन्हें प्रेरित करते हैं और आपने उन्हें शिवलिंग दिया। देखो, गणेश जी भी शंकर के पुत्र है जी। और हनुमान जी भी शंकर सुवन है जी। हम भारत में दोनों को मंगल मूर्ति कहते हैं, पूरा महाराष्ट्र गणेश जी को मंगल मूर्ति कहते हैं और हमारे गोस्वामी जी हनुमान जी को भी मंगल मूर्ति कहते हैं। दोनों एक है और दोनों को लड्डू प्रिय है, दोनों पर सिंदूर चढ़ाया जाता है जी। फर्क इतना है कि हनुमान जी को पूंछ पीछे है और गणेश जी को सूंड आगे है, बाकी दोनों एक है, दोनों शंकर के पुत्र है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि वो अपने टेबल पर या तो अपने ऑफिस पर गणेश जी को रखते हैं। वही गणेश उसके जीवन में जो जो बाधाएं आएगी, जो विघ्न आएंगे, उसको हटाएं और राष्ट्र का शुभ हो, पथ प्रशस्त करें। बिल्कुल, और बहुत बाधाएं हैं अभी जीवन में उनके, लेकिन यहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, अच्छी बात है, लेकिन है यहाँ के। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीयों ने जिस तरह अपनी यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमाया है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो इस बात को दर्शाता है। आपसे किस तरह की बातचीत हुई, आप उन्हें छोड़कर आए गाड़ी तक, कुछ ख़ास बात? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि
मैं व्यासपीठ से उतरते ही मौन हो जाता हूँ। मैं अब 5 बजे ही बोलता हूँ, मेरा पूरा दिन मौन होता और व्यासपीठ पर बोल रहा था। तो दिल से दिल की बात हुई जो वहाँ की कोई ज़रूरत नहीं थी।